चलिए अब बोलिए। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट इंडियन आर्ट एंड कल्चर। व्हाट इज आर्ट एंड कल्चर? आर्ट एंड कल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो वी विल डिस्कस अबाउट आर्ट एंड कल्चर। कल्चर, व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज अ सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी इन टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बोथ फॉर्म्स। एंड आर्ट एंड कल्चर, आर्ट इज मोर अबाउट फिजिकल फॉर्म्स एंड कल्चर इज मोर अबाउट इनटेंजिबल फॉर्म्स। सो बट इट इज नॉट स्पेसिफिकली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। सम कल्चर्स मे हैव टेंजिबल फॉर्म्स। सो वी विल डिस्कस आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर्स आर डिवाइडेड मेनली इन थ्री पार्ट्स: विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेरी आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स जो हम लोग देखते हैं, जो हमें शुरू से आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जो मिला है उससे हम अनुमान लगाते हैं कि विजुअल आर्ट्स हमारे कैसे कैसे थे। विजुअल आर्ट्स चार भागों में बांटा गया है मेनली: स्कल्पचर्स एंड पॉटरी, आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स। स्कल्पचर्स आर माइनर आर्ट कंपेयर टू आर्किटेक्चर्स। आर्किटेक्चर्स आर मेनली स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट ऑफ एनी सिविलाइजेशन सिंस हड़प्पा। इट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड मेनली। स्कल्पचर्स इज बोथ स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड कॉमन पीपल। इट इज बोथ कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। आर्किटेक्चर इज मेनली कोर्ट आर्ट। पेंटिंग इज बोथ कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। हैंडीक्राफ्ट्स इज ऑल्सो मेनली पॉपुलर आर्ट। एंड नाउ वी कम टू परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में मेनली व्हाट वी परफॉर्मिंग आर्ट जनरली उस आर्ट्स को कहते हैं जो हम अपने अंदर के स्पिरिचुअल को हम किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अपने स्पिरिचुअल एक्सिस्टेंस को, स्पिरिचुअल डिजायर को, लाइक इन द फॉर्म ऑफ डांस, इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, इन द फॉर्म ऑफ थिएटर और पपेट्री। दीज आर द मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एनिमल्स सोल। देन वी कम टू लिटरेरी आर्ट। लिटरेरी आर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस वी विल स्टडी अबाउट लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन, फिलोसफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अब हम यहां पे देखते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसे एक टिक मारता हूं: स्कल्पचर एंड आर्ट पॉटरी, आर्किटेक्चर, डांस, म्यूजिक,